राजस्थान के भरतपुर में भाजपा नेता कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड 12 जुलाई 2023 को उस वक्त फिर सुर्खियों में आ गया जब मुख्य आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर कुलदीप जगीना को पुलिस रोडवेज बस में बैठाकर सेंट्रल जेल जयपुर से पेशे के लिए भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी। रास्ते में अमोली टोल प्लाजा के पास बस में सवार हुए बदमाशों ने कुलदीप जगीना को गोलियों से भून दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गैंगस्टर कुलदीप जगीना कौन है। गैंगस्टर कुलदीप जगीना राजस्थान की भरतपुर जिले के उद्योगनगर पुलिस थाना इलाके के गांव जगीना का रहने वाला है। गांव जगीना के ही रहने वाले भाजपा नेता और जमीन कारोबारी कृपाल सिंह जगीना से उसका विवाद चल रहा था। 4 सितंबर 2022 को कृपाल सिंह अपनी कार से भरतपुर सर्किट हाउस से घर जा रहे थे। कुलदीप जगीना ने अपने साथियों के साथ मिलकर कृपाल सिंह की हत्या करवा दी। वारदात के बाद कुलदीप फरार हो जाता है और फिर उसकी एमपी में पकड़ लिया जाता है। 12 जुलाई 2023 को चालानी गाड़ी हार्डकोर अपराधी कुलदीप जगीना और उसके साथ विजयपाल को रोडवेज बस में बैठाकर भरतपुर कोर्ट लेकर जा रही थी। दोपहर 12 बजे रास्ते में बस जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा के पास रुकी तो कुछ बदमाश बस में सवार हुए और पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर 15 राउंड फायर किए। गोली लगने से कुलदीप जगीना की मौत हो गई और साथ ही विजयपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। दो यात्रियों को भी गोली लगने की खबर बताई जा रही है। जी न्यूज की एक खबर के अनुसार कुलदीप जगीना की हत्या का आरोप बबलू मालीपुरा, सौरभ विष्णु जाट और धर्मराज पर लगा है। भरत पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ भी लिया। इनमें दो आरोपितों के पैर में गोली लगी है और चारों आरोपितों को अस्पताल में ले जाया गया है।